अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। हाथी के पाँव में मोर चाहते हैं, अब बेचारा लंगड़ा हाथी चल भी तो नहीं सकता। आंधिया या तूफान, हाथी तो चलता ही रहेगा, और एक बात याद रखना, आई लव यू और मैं जिंदगी भर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। दोस्तों, आम तौर पे जब कोई भी यंग एक्टर और एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन आज जिस हीरो की बात मैं कर रहा हूं, वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून बट आई वॉज बॉर्न विद अ डायमंड स्पून। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे बिल्कुल भी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी। मुझे अपनी पहली फिल्म बड़ी आसानी से ऑन अ प्लेटर मिल गई, और वो है क्यूट हैंडसम करण शाह। तो एक काम करते हैं, हम दोनों एग्जाम्स में हर सवाल के जवाब में लैला मजनू लैला मजनू लैला मजनू लिख देंगे। अगर वो एग्जामिनर रोमांटिक हुआ तो पास कर देगा, वरना फेल। तुम मजाक कर रहे हो? 9th जनवरी 1962 में पैदा हुए थे करण शाह मुंबई में एक रईस गुजराती फैमिली में। उनके पिता का नाम था नलीन कांत शाह और वो ऑटोमोबाइल और एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। करण की माँ का नाम है हरीना शाह और वो एक हाउसवाइफ हैं। करण के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम है अजय शाह, और उनकी एक छोटी बहन है, उनका नाम है निकिता शाह। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मशहूर एक्ट्रेस टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी है, वो करण शाह की मासी हैं, यानी करण शाह की मम्मी की सगी छोटी बहन। और करण का असली नाम है संजय शाह। करण ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की विल्सन कॉलेज मुंबई में। करण अपने डैड से बहुत इंप्रेस थे और उन्हीं की तरह वो एक इंजीनियर बनना चाहते थे, और उन्हें फिल्मों में काम करने का कोई शौक नहीं था। अलबत्ता उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए करण ने उस वक्त के मशहूर फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्षक को ज्वाइन कर लिया और उनके असिस्टेंट बन गए। गौतम ने करण को ही मॉडल बना दिया। करण के साथ उन्होंने कई फोटोशूट्स किए। एक दिन मशहूर राइटर और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब गौतम के ऑफिस पहुंचे तो देखते हैं करण की बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स लगी हैं। गौतम से उन्होंने पूछा, ये कौन है? तो गौतम ने कहा, ये मेरा असिस्टेंट है करण शाह, और ये मुझसे फोटोग्राफी सीख रहा है। जावेद अख्तर करण शाह के फोटोग्राफ से बहुत इंप्रेस हुए और फौरन करण शाह का नाम रिकमेंड कर दिया मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रमेश पहल को, जो उस वक्त अपनी एक क्विकी फिल्म बना रहे थे, एक लव स्टोरी, और उसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी। रमेश बहल ने करण शाह को अपने ऑफिस बुलाया और कहा कि हम एक फिल्म प्लान कर रहे हैं, नए लड़की और नए लड़के को ब्रेक दे रहे हैं, और हमें नए चेहरों की तलाश है, और हमें तुम्हारी फोटोज बहुत पसंद आई हैं और हम आपको साइन करना चाहते हैं। करण शाह ने कहा, मगर मुझे एक्टर बनने का कोई शौक नहीं है। तब रमेश बहल ने उन्हें समझाया कि ये फिल्म लाइन है, यहाँ पे जितने भी नए एक्टर्स और एक्ट्रेस आते हैं उन्हें बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है। तुम तो बहुत लकी हो कि विदाउट एनी ऑडिशन और विदाउट एनी स्क्रीन टेस्ट मैं तुम्हें फाइनल कर रहा हूँ, यू मस्ट डू द फिल्म। करण कन्विंस हो गए और वो फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था जवानी, जो आई थी 1984 में, और करण के ऑपोजिट हीरोइन थी नीलम, और ये नीलम की भी पहली फिल्म थी। ये तुम बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ते हो? क्यों ही? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? तो लो, फिर ये रहा, पकड़ लो। खुश हो गए ना? लेकिन एक जवान दिल का अरमान हो तो माना, अभी हो कम सिन और नादान हो तुम। जवानी सुपर टूपर हिट हो गई और इस फिल्म का म्यूजिक भी सुपर टूपर हिट था। और इसके बाद करण ने कुछ और फिल्में साइन कर ली एज मेन लीड, जैसे अपने अपने और अनोखा रिश्ता। दोस्तों, करण कहते हैं कि फिल्म अनोखा रिश्ता मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उस फिल्म में मुझे सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ये रही आपकी नौकरी,
आप मुझे बेवकूफ बनाते रहे आज तक। एक लड़की की जिंदगी खराब करके अब उसकी शादी का चक्कर मेरे साथ चलवा रहे हैं आप। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, बैठो और बात करो। 1990 में करण ने एक फिल्म प्रोड्यूस की और उस फिल्म का नाम था चोर पे मोर। उसमें करण खुद हीरो थे, दो हीरोइंस थी, नीलम और सोनम। लेकिन अफसोस ये फिल्म ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। मैं तुम जैसे चोर की झूठी बातें नहीं सुनना चाहती, हट जाओ। तुम मेरी बात सुने बिना यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने चोरी नहीं की। चोर पे मोर बिल्कुल कामयाब नहीं रही, इसलिए करण ने सोचा कि अब मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी चाहिए, और उन्होंने कुछ फिल्में और साइन कर ली। पिकनिक पर हम तुम्हें इसलिए ले आए थे कि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, लेकिन एक तुम हो, अब तक उदास हो। कम ऑन बेबी, चीयर अप। मैं खुश नसीब होके तेरा प्यार पा लिया, मैं खुश नसीब होके तेरा प्यार पा लिया। फिल्मों में करण एज एन एक्टर ज्यादा कामयाब नहीं हुए, इसलिए 1994 में उन्होंने टेलीविजन का रुख कर लिया और टेलीविजन के लिए कई सीरियल्स प्रोड्यूस भी किए, डायरेक्ट किए और साथ ही साथ उसमें एक्टिंग भी की। और उसमें से एक सीरियल था नो प्रॉब्लम, जो लोगों को बहुत पसंद आया। टेलीविजन करने के बाद करण ने कई एड फिल्म्स प्रोड्यूस भी की और डायरेक्ट भी की, और 2009 में करण ने रिलायंस बिग पिक्चर्स ज्वाइन किया एज क्रिएटिव प्रोड्यूसर और कई बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की, जैसे रुस्तम, टॉयलेट एक प्रेम कथा और अय्यारी। दोस्तों हम आपको बता दें कि करण ने दो शादियां की। पहली शादी उन्होंने की अमीरा खारा से 1987 में, जो एक इंटीरियर डिजाइनर है। उनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम है अर्जुन और बेटी का नाम है अदिति। लेकिन अफसोस कुछ सालों बाद करण और अमीरा का डिवोर्स हो गया। करण ने दूसरी शादी की मशहूर एक्ट्रेस भावना बलसावर से, और हम आपको बता दें कि भावना अपने वक्त की मशहूर एक्ट्रेस शुभा खोटे की बेटी हैं और मशहूर कैरेक्टर एक्टर विजू खोटे की भांजी हैं, और भावना खुद भी एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। दोस्तों करण और भावना पहली बार एक दूसरे से मिले थे 1994 में करण के सेट पे, जिस सीरियल का नाम था नो प्रॉब्लम। दोनों पहले दोस्त बने, दोनों में प्यार हुआ, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और दोनों ने एक दूसरे को 13 साल तक डेट किया और उसके बाद शादी कर ली 2011 में। दोस्तों करण कहते हैं कि भावना मेरी बीवी होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और गाइड है। करण और भावना दोनों पेट लवर्स हैं और ज़्यादातर गोवा में रहते हैं अपने पेट बेबीज के साथ और बहुत खुश हैं। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।